मैं फैशन कान न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कॉमेडी विभाग में महिला महाविद्यालय बनाने के लिए और सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कुर्ला स्क्रैप के साथ साथ अन्य अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जिला अधिकारी ने दिया आश्वासन। आइए सुनते हैं एमएलए अबू आसिम आजमी के जुमाने। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, गरीब का इलाका है, स्लम पूरा है और वहां पर नाजायज़ कब्जा करने वाले माफिया लोग जो हैं, एक दो पाँच दस एकड़ नहीं, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें कलेक्टर की ऐसी हैं जिसका कोई वारिस नहीं है। कलेक्टर का हम लोग कंप्लेन करते हैं, एक दिन टूटती है, दूसरे दिन फिर बन जाती है। अभी कुर्ला स्क्रैप है जहाँ पर सब जो है काला तेल, दो नंबर का काला साबुन, सारे वायर जो हैं, जितनी चीज़ आग जलने वाली चीज़ें हैं वो सब वहाँ आता है। हर साल आग लगती है और इन लोगों को जितनी जगह मिली उसकी तीन गुना ज़्यादा वो लोग जगह वापर रहे हैं। उनकी लीज भी ख़त्म हो चुकी है, उनका पैसा भी नहीं आ रहा है, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा कुछ नहीं हो रहा है। रोड के ऊपर, मेन रोड पर जो है छः छः आठ आठ गाले जो है इल्लीगल बनाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर कोई रोकता है तो एक बच्ची घर से निकाल करके इतना मार दिया कि बेचारी अस्पताल में लड़की पड़ी हुई है। सब इलीगल, ये सब कलेक्टर साहब से बात हुई है, जितना इंक्रोचमेंट इलीगल है वो सब तुरंत वो हटना चाहिए और वो जगह भी सरकार की है, सरकारी कब्जे में आवे और उसमें एक अच्छा काम हो, ये हमारे यहाँ डिमांड थी। कॉलेज खुले, स्कूल खुले, अच्छे काम हो, टॉयलेट बने, लेकिन ये जो माफिया लोग जो पैसे कमा रहे हैं और वहाँ पर इलीगल काम कर रहे हैं वो सब बंद होना चाहिए। सरकार के ट्रेजरी में पैसा आने के बजाय इन गुंडों के पास पैसे जाते हैं, वो बंद होना चाहिए, इसलिए मैं आज मिलने आया। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, आश्वासन दिया उन्होंने, अफसर को बोला कि तुरंत जो है जितनी जल्दी उसकी कार्रवाई करके जगह हो और जो जगह टूटेगी जिसने कब्जा किया है उन पर एफ आई आर।